किला स्थित राजघाट में दीप उत्सव का कार्यक्रम हुआ। केसरवानी वैश्य महिला इकाई द्वारा देव दीपावली राजघाट में धूमधाम के साथ 13 वर्षों से लगातार मनाई जाती है। समाज के केसरवानी वैश्य महिला इकाई अध्यक्ष ज्योति गुप्ता, इन 13 वर्षों से यहां राजघाट पर तीनों नदियों का संगम है। यहां पर हर साल आकर दीपदान और रंगोली प्रतियोगिता और संगीत प्रतियोगिता की जाती है। यहां पर पुरस्कार भी बांटे जाते हैं। आयोजित कार्यक्रम नगर अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष राजमती गुप्ता, पी क्लब रीवा ग्रेड के पदाधिकारी भी यहां पर मौजूद रहे। उन्होंने भी दीपदान कर उत्सव मनाया। यहां पर ये दीप उत्सव का कार्यक्रम कब से मनाया जा रहा है आप लोगों को? ये देव दीपावली हमारा ये कार्यक्रम रीवा में आज 13 साल हो गया मनाते हुए और हर्षोल्लास के साथ ही मनाया जाता है। इसमें हम लोग अपने मतलब जो मंत्री जी है वो भी हर साल आते थे, पर इस साल वो बाहर गए हुए हैं इसलिए हम उनको बुला नहीं पाए। ये बहुत भव्य यहाँ कार्यक्रम होता है। समाज केसरवानी महिला सभा की तरफ से बहुत बड़ा उत्सव होता है ये देव दीपावली। क्या कार्यक्रम सुबह से आयोजित किए गए हैं आज? यहाँ पर बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। विगत 13 वर्षों से हम लोग मना रहे हैं और वी क्लब रीवा गेट और केसरवानी महिला सभा मिल करके ये कार्यक्रम मनाता है। यहाँ पे रंगोली बनाई जाती है और भजन कार्यक्रम होता है, पुरस्कार का वितरण भी किया जाता है और हर्षोल्लास के साथ हम लोग देव दीपावली मनाते हैं और भगवान को याद करते हैं। शहर में इकलौते राजघाट में ही कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, तो किनके द्वारा यहाँ पर कार्यक्रम शुरुआत की गई? शुरुआत केसरवानी समाज के द्वारा ये कार्यक्रम पहला महिला सभा की तरफ से शुरू किया गया था। फिर इसको कई क्लब मिलकर यहाँ पर कार्यक्रम मिलकर करने लगे हैं और खूबसूरत रंगोली मिलाई और यहाँ दो नदियों का संगम है तो इसलिए यहाँ पर ये कार्यक्रम लगातार 13 वर्षों से आयोजित किया जा रहा है। और हमारी समाजी ज्योति दीदी का अथक प्रयास रहता है कि कार्यक्रम को हम बृहद रूप में करें और ये हमारी संस्कृति और सभ्यता को आगे ले जाएं। हम में सभी महिलाएं करती थी, ये आज क्या है, आज का दिन का क्या है महत्व? आज का दिन देव दीपावली के रूप में मनाया जाता है। देवताएं आज के दिन अपने यहाँ दीपावली मनाते हैं और एक कथा यह है कि शंकर जी ने आज के दिन एक राक्षस का वध किया था, उसके वजह से देवताएं आज दीपावली मनाते दिए जलाकर। और आज ही के दिन बनारस में आज 11 लाख दिए जलेंगे और ये बनारस में आज आदिकाल से चला आ रहा है देव दीपावली, जिसपे कि पूरे घाटों को दिए से बिल्कुल सजा देते हैं। तो ये विगत 13 वर्ष से रीवा में भी शुरू किया गया है। क्या क्या कार्यक्रम हुए हैं रीवा में? यहाँ पर जो है हम महिलाएं आते हैं और पहले ये चूंकि संगम है, राजघाट अपने रीवा का संगम है और इसलिए हम लोग आते हैं कार्तिक के महीने में, यहाँ पूजा करते हैं और शाम को दीपोत्सव करते हैं जिसमें कि दिए को जलाकर और आरती करके हम लोग समापन आज कार्तिक महीने का करते हैं। विवाह से लेखराज मोटवानी की रिपोर्ट।